दिल्ली एनसीआर में सुबह की धुंधली शुरुआत हुई है। स्मॉग की चादर ने दिल्ली एनसीआर को आगोश में ले लिया है। दिल्ली एनसीआर की हवा आज भी बेहद खराब बनी हुई है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 700 के पार पहुंच गया है। हवा की क्वालिटी का सबसे बुरा हाल दिल्ली से सटे शहरों का है। नोएडा सेक्टर 62 में AQI 714 और गाजियाबाद के वसुंधरा में 666 रिकॉर्ड की गई है, जो सबसे खतरनाक स्तर पर है। इस वक्त मौजूद है हम नोएडा में। नोएडा में हम जानने निकले हैं जो मौसम का हाल है उसको। अगर बात करें मौसम को लेकर, तो जो दिल्ली और एनसीआर की खराब हवा है उसका कहर अभी भी दिल्ली एनसीआर वासियों पर जारी है। जी हाँ, दिवाली को बीते लगभग 20 दिन हो चुके हैं और जो ये कहें पराली को लेकर भी हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार भी सख्त हो चुकी है, और वहीं दिल्ली में केजरीवाल सरकार का ऑड इवन भी लागू करना है। इसके बाद भी दिल्ली एनसीआर की हवा का साफ ना हो पाना कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि दिल्ली सरकार का जो ऑड इवन है वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई देता है। अगर आपसे बात करें आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, तो ये सफर एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड एप्लीकेशन, आप देख सकते हैं इसके अंदर 569 AQI 2 PM 2.5 शो कर रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, आप इसका जो मार्क है उसको भी देख सकते हैं, ये मार्क इस टाइम बिल्कुल रेड से भी आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हवा है इस समय वो खराब से भी बेहद खराब स्थिति में। जी हाँ, अगर बेहतर हवा के बारे में बात करें तो PM 2.5 जो है वो 100 के अंदर रहना चाहिए, तब वो हवा कहीं ना कहीं ठीक रहती है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि बेहतर हवा से 5 गुना से भी कहीं ज़्यादा जो हवा है वो ख़राब है, 559 यानी कि 569 इस टाइम PM 2.0। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ बिल्डिंग्स हैं, ये मंदिर दिखाई दे रहा है, ये आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा क्योंकि जो स्मॉग की चादर है उसने अपने जो कहें उसने अपने आगोश में इस पूरे शहर को ले रखा है। पूरा शहर स्मॉग की चादर से ढका हुआ है। जो आमजन है वो परेशान है, लोगों के आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। अब केवल एक ही सवाल ये उठता है कि पराली ही समस्या थी या पटाखे समस्या थे या ऑड इवन जो है वही इसका एक ये कह सकते हैं कि जो इसको ठीक करेगा वो ऑड इवन ही ठीक करेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ऑड इवन भी लागू हो चुका है, पराली को लेकर भी सरकारें एक्शन मूड पर हैं और जगह जगह जो ये कहें कि पेड़ों पर जल छिड़काव किए जा रहे हैं और बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली एनसीआर की हवा का ठीक ना हो पाना ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुख की बात है और ये कहें कि बहुत ही चिंता की बात भी है कि दिल्ली की हवा ठीक क्यों नहीं हो पा रही है।